नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम एक नजर इधर में भी, जिसमें हम जनता के उन सामाजिक मुद्दों को उठाएंगे जिनसे लगातार जनता जूझ रही है और शासन प्रशासन मौन बैठा है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले देवास की, जहां किसान यूरिया के लिए परेशान है। हालात ये है कि बीवी बच्चे समेत लाइन में लगकर उन्हें लेना पड़ रहा है खाद। वहीं प्रशासन और कृषि विभाग के अफसर नींद से जागे नहीं है। आखिर परेशान किसानों का दर्द सड़क पर जाम की शक्ल में सामने आया। किसानों ने मंडी के सामने चक्का जाम कर दिया। दरअसल देवास में एक ही कारोबार फर्म माधव सेल्स कॉरपोरेशन को यूरिया बेचने का काम किया गया था। वहीं इस फर्म में कर्ता धरता शादी में चले गए, जिससे यूरिया मिलना ही बंद हो गया। तो मामला पूरा देवास का है, जहां किसान यूरिया के लिए परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि देवास में किसान यूरिया के लिए लगातार परेशान हो रहे हैं। हालात ये हो चुके हैं कि बीवी बच्चे समेत लाइन में लगकर उसे खाद लेना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन और कृषि विभाग के अफसर नींद से जागे नहीं हैं। तो आखिर परेशान किसानों का दर्द सड़क पर जाम की शक्ल में सामने आया। किसानों ने मंडी के सामने चक्का जाम कर दिया। दरअसल देवास में एक ही कारोबारी फर्म माधव सेल्स कॉरपोरेशन को यूरिया बेचने का काम दिया गया था। वहीं इस फर्म के कर्ता धर्ता शादी में चले गए, जिससे यूरिया मिलना ही बंद हो गया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता मनोज शुक्ला जुड़ गए हैं। मनोज, देवास में किसान लगातार यूरिया के लिए परेशान हो रहे हैं, हालात ये हो गए हैं कि अब चक्का जाम भी करना पड़ रहा है, क्या है पूरा मामला, पहले विस्तार से जानना चाहेंगे। जी, मैं अमन जी आपको बता दूं कि देवास में कल एक बड़ा चक्का जाम किया गया किसानों द्वारा, क्योंकि वहां पर एक ही व्यापारी को ही खाद वितरण करने का नेता दिया गया है और यहाँ पर खाद लोगों को किसानों को मिल नहीं पा रहा है। जी, लेकर किसान चक्का जाम कर दिया। जी, अब मनोज, अब जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? जिम्मेदार तो यहाँ पर कोई पहुंचे भी नहीं थे यहाँ पर, और जिम्मेदारों के जगह पर एक महिला अधिकारी को पहुंचा दिया गया था यहाँ पर। जी, जिसके द्वारा एक सही जवाब नहीं दिया गया इस मामले को लेकर। मनोज, कल इस पूरे मामले को लेकर चक्का जाम भी किया गया था, जब इतनी भारी संख्या में किसानों ने चक्का जाम किया, तो उसके बाद कुछ सुनवाई हुई क्या, क्या कुछ आश्वासन दिया गया है अभी? आश्वासन जब वहां पर एक महिला अधिकारी आई, जिनके द्वारा आश्वासन यह दिया गया कि सभी को एक दो दो बोरी खाद यूरिया खाद दिया जाएगा। जी, अब किसानों का क्या कुछ कहना है मनोज? कहना है कि अगर यूरिया नहीं मिलता है तो आगे भी फिर चक्का जाम जैसे स्थिति बनेगी। जी मनोज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि पूरा मामला देवास का है, जहां किसानों को यूरिया के लिए लगातार परेशान होना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इसके चलते कल किसानों ने चक्का जाम भी किया। और अब हमारे साथ में किसान संजय यादव जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका डीएनएन न्यूज में। जी मैडम। जी, देवास में किसान यूरिया के लिए लगातार आप लोग परेशान हो रहे हैं, आपसे भी समझना चाहूंगी कि कब से आप यूरिया के लिए परेशान हो रहे हैं। मैडम, मेरे को 3 दिन हो गए हैं, मेरी मिसेस के साथ में लाइन में लगा हुआ हूँ। जी, और अभी तक यूरिया नहीं मिला मुझे। इससे पहले क्या आपने जिम्मेदारों से गुहार लगाई थी इस पूरे मामले को लेकर? सोसाइटी के अध्यक्ष है और यहाँ के मंत्री है सज्जन सिंह जी वर्मा जी को भी गुहार लगाई थी। जी, अब जब आपने कल चक्का जाम किया तो क्या कुछ कहना था उनका? चक्का जाम में कहना तो कुछ भी नहीं पड़ा उनका, बोले हम किसानों की समस्या हल करेंगे, बस ये बताई जल्द से जल्द। संजय जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आप ही की तरह कितने किसान हैं जो यूरिया ना मिलने से लगातार परेशान हो रहे हैं? करीबन इस क्षेत्र के 2500 से 2600 किसान जो है भोरासा में आते हैं। जी, वो अभी तक यूरिया नहीं मिल पाया, और जब पहले मिला जी तो केवल एक एक बोरी यूरिया दिया है। जी, और
जी संजय जी, कल आपने इस सबको लेकर चक्का जाम भी किया, बावजूद इसके आपकी मांगे नहीं मानी गई है। आप अभी एक चैनल पर बात कर रहे हैं, चैनल के माध्यम से क्या कुछ मांग आप रखना चाहेंगे जिम्मेदारों पर? जिम्मेदारों से यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार वोट बैंक लेते हैं लोग जी, उस प्रकार किसानों का भी ध्यान रखना चाहिए जी। अगर किसान के घर में फसल नहीं आएगी, अनाज नहीं आएगा और इस प्रकार की लाइट और खाद बीज नहीं मिलेगा, तो किसान किस प्रकार खेती करेगा और भरपाई करेगा अपने आप की? और जो किसानों की आत्महत्या होती जा रही है अभी दिन पर दिन, जिम्मेदार जी संजय जी, हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करेंगे कि आपकी जो समस्या है उसका जल्द ही निराकरण हो जाए। आपको बता दें कि हमारे साथ में देवास के किसान संजय जुड़े हुए थे, जिनका कहना है कि लगातार 3 से 4 दिनों तक हम यूरिया के लिए परेशान हो रहे हैं, बावजूद इसके समस्या का समाधान नहीं हुआ, आखिरकार किसानों को चक्का जाम करना पड़ा। आपको बता दें कि 2500 से 2600 किसान है जो लगातार यूरिया के लिए परेशान हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि मामला पूरा देवास का है, जहां किसान लगातार यूरिया के लिए परेशान हो रहे हैं। अब हालात तो ये हो गए हैं कि बीवी बच्चे समेत लाइन में लगकर उन्हें खड़े होकर खाद लेना पड़ रहा है, और किसानों की क्या कुछ समस्या है आइए आपको सुनाते हैं। यूरिया खाद नहीं मिल रहा है, जिनके पास पावती है उनको तो मतलब 5 बोरी दे दिया है ना, 2 बोरी दे दिया, 5 बोरी दे दिया, मतलब छोटे किसान उनको तो आसपास खाता ही नहीं है, तो वो कहाँ से लाया खाद? कितनी देर से बैठा हूँ यहाँ पे, सुबह से बैठे 6 बजे से बैठा हूँ। यहाँ किसानों की ये यूरिया की समस्या थी, माधव जो सेल्स वाला है तो उसने उसके घर में लोगों ने बताया कि शादी है तो वो बांट नहीं रहा था, उसको बुलवाया है और मैडम भी आ गई थी ईडी एग्रीकल्चर वाली, उन्होंने बता दिया है कि ये पटना से। तो आपने सुना कि सुबह से लेकर शाम तक किसान लाइन में लगे हुए हैं, बीवी बच्चों को लाइन में लगा है, बावजूद इसके यूरिया नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि कई दिनों से किसान यूरिया के लिए परेशान हो रहे हैं, और आखिरकार किसानों ने आक्रोशित होकर कल चक्का जाम किया, बावजूद इसके जिम्मेदारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। और अब हमारे साथ में किसान संतोष गोस्वामी जुड़ गए हैं। संतोष जी बहुत स्वागत है आपका डीएनएन में। नमस्ते मैडम जी, लगातार आप लोग यूरिया के लिए परेशान हो रहे हैं, आपसे भी समझना चाहूंगी कि कितने दिनों से आप यूरिया के लिए परेशान हो रहे हैं। मैडम कर्म कर्म एक महीना हो गया मैडम यूरिया खाद के लिए लोग परेशान हो रहे हैं मैडम। भारी संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं दुकान पे, यूरिया नहीं मिल पाता है, क्या कुछ कहा जाता है आपको? खाद आगे से नहीं आ रही, जो ब्लैक वाले बेच रहे हैं, जो सेठ लोग हैं, जो जी जो बनिए लोग हैं, सेठ लोग हैं, ये बेच रहे हैं ब्लैक, 300 में दे रहे हैं, 450 में दे रहे हैं, 500 में बोरी दे रहे हैं जी। अब किसान किसान की मजबूरी है, डालना खाद तो लेना पड़ेगा उसको जी। संतोष जी, जैसे कि आपने बताया कि लगातार आप एक महीने से यूरिया के लिए परेशान हो रहा है, अभी आपने चक्का जाम किया, इससे पहले भी क्या जिम्मेदारों से गुहार लगाई थी इसको लेकर? जी जी लगाई थी मैडम, जिम्मेदार लगाई थी, जो उसके कृषि मंत्री हैं सचिन यादव उनसे चर्चा करी थी जी, अधिकारी से चर्चा करी, कलेक्टर साहब से बात करी थी जी, पविता इस पर कोई ध्यान ही नहीं, किसान को ध्यान ही नहीं दे मैडम जी। अब आपकी क्या कुछ मांगे हैं संतोष जी, लगातार एक महीने से आप परेशान हो रहे हैं, अब क्या कुछ चाहते हैं आप? नहीं, हम ये चाहते हैं मैडम कि सरकारी संस्था किसान संस्था से खाद आए और खाद किसानों को पर्याप्त मात्रा मिले जी, क्योंकि इस बार क्या पानी अधिक गिरा, इसलिए गेहूं की फसल अधिक बोई गई है जी, तो गेहूं की फसल होने के कारण खाद की आवश्यकता अधिक है जी, और अधिकारियों ने इस पर ध्यान दिया नहीं कि पहले से स्टॉक रखे माल जी, और जो बनियों ने ध्यान रखा, इसलिए उन्होंने मार्केट से पहले माल उठा लिया और ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं मैडम, वो जी ब्लैक में खाद बेच रहे हैं, किसान की मजबूरी है कि वो व्यापारी से लेना पड़ता है, उसको 500 में बोरी ले रहे हैं, कोई 400 में बिक रही है जी। संतोष जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ में किसान संतोष जुड़े हुए थे, जिनका कहना है कि लगातार एक महीने से वह परेशान हो रहे हैं यूरिया के लिए खाद के लिए, बावजूद इसके जिम्मेदारों से भी कई बार गुहार लगाई जा चुकी है, पर कोई किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। आपको बता दें कि कृषि मंत्री से लेकर कलेक्टर तक किसान गुहार लगा चुके हैं खाद और यूरिया के लिए, बावजूद इसके इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो आपको बता दें कि पूरा मामला देवास का है, जहां लगातार किसान खाद और यूरिया के लिए परेशान हो रहे हैं।
चलिए अब बात करते हैं पखांजूर की, जहां दबंगों की दबंगई एक बार फिर सामने आई है, जहां तीन दबंगों ने मिलकर पांच परिवार को गांव से बहिष्कार कर दिया, जिसके बाद पीड़ितों ने प्रशासन का दरवाजा खटखटाया और एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, साथ ही अनशन करने की भी चेतावनी दी है। तो आपको बता दें कि पूरा मामला पखांजूर का है, जहां दबंगों की दबंगई देखने को मिली। आपको बता दें कि तीन दबंगों ने मिलकर पांच परिवार को गांव से बाहर निकाल दिया। आपको बता रही कि पांच परिवार का गांव से बहिष्कार कर दिया गया है, जिसके बाद पीड़ितों ने प्रशासन का दरवाजा खटखटाया और एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि अनशन करने की भी चेतावनी दी गई है। तो आपको बता दें कि पूरा मामला पखांजूर का है, जहां दबंगों की दबंगई एक बार फिर सामने आई है। आपको बता दें कि एक बार फिर तीन दबंगों ने मिलकर पांच परिवार को घर से बेघर कर दिया, पांच परिवारों का बहिष्कार कर दिया, जिसके बाद पीड़ितों ने प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है और साथ ही एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि परिवार वालों ने अनशन करने की भी चेतावनी दी है। तो आपको बता दें कि मामला पखांजूर का है, जहां तीन दबंगों ने मिलकर पांच परिवारों का गांव से बहिष्कार कर दिया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता विप्लव कुंडू जुड़ गए हैं। विप्लव, तीन दबंगों ने मिलकर पांच परिवारों को बेघर कर दिया, परिवार वालों का बहिष्कार कर दिया, क्या है पूरा मामला, पहले विस्तार से जानना चाहेंगे। जी अमनदीप, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो पांच परिवार है, अभी चार पर, तीन महीना हुआ है, चार परिवार को बहिष्कृत किया है। इसके पहले करीबन तीन साल से एक परिवार को गांव से बहिष्कृत करके रखा था जी। तीनों दबंग, और जब इन चारों और को मिला लिया है, तो इन्होंने इनको गांव में किसी के घर में जाने आने, पानी के लिए, किसी के श्राद्ध वगैरह में जाना, पूजा पाठ आदि जाने में, सब में मनाई करके रखा था। यहाँ तक कि गांव के नल से पानी लेने के लिए भी इनका मनाही है, जबकि रोजमर्रा का सामान ये लोग गांव से पांच किलोमीटर दूर पखांजूर आके लेने पे मजबूर है। और ये सब परेशानियों को देखते हुए इन्होंने आज एसडीएम कार्यालय आया था, लिखित शिकायत किया, जिसके बाद में इन्होंने कहा कि इसका निराकरण जल्दी होना चाहिए, यदि जल्दी नहीं होगा तो हम अमरण अनशन करने का भी इन लोग ने चेतावनी दे चुका है तहसीलदार को। जी अमनदीप, मतलब क्या कुछ वजह मानी जा रही है जिसके चलते परिवार वालों का बहिष्कार किया है? देखिए, गांव के कुछ दबंग है, वजह ये है, गांव के कुछ दबंग है, इनको कहने पे यदि कोई भी परिवार इनके विरुद्ध जाते हैं तो इनको गाँव से बहिष्कृत कर देते हैं। वजह यही है, बाकी कुछ दूसरा वजह नहीं है। यदि किसी से झगड़ा होगा, ये जो पुराना परंपरा जो चली आ रही है, इसको ये चांदीपुर ग्राम पंचायत में अभी भी इसको विधिवत रखा है दबंगों ने। जी मतलब क्या इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं इस गांव में? जी, इसके पहले मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक परिवार को आज से तीन साल पहले ही उनको गांव से अलग करके रखा था। अभी तीन महीने पहले ये जो बाकी चार परिवार है, इनको भी दबंगों ने गांव से मतलब बाहर करके रखा है। तो पांचों परिवार मिलके तहसीलदार एसडीएम को ज्ञापन सौंपे है। जी अमनदीप, मतलब जैसे कि आपने बताया कि इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, बावजूद इसके जिम्मेदार इस ओर क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? जी देखिए, जो परिवार को तीन साल पहले गांव से बहिष्कृत करके रखा था, ये बार बार शासन प्रशासन का दरवाजा खटखटाया, बहुत बार कलेक्टर जिला में भी लिखित शिकायत किया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। यहाँ तक कि उस परिवार के जो बेटे पखांजूर में दुकानदारी करके अपने पेट पालते हैं, वो कभी गांव में जाते हैं अंधेरे में, तो उसको वहीं बैठ के कुटाई हो जाता है, जिसका लिखित शिकायत थाने शासन प्रशासन को दिया गया है, लेकिन आज पर्यंत कुछ इस पे कार्रवाई नहीं हुई है। जी अमनदीप जी, विप्लव तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि इस गांव में इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, जब दबंगों की दबंगई देखी गई और परिवार वालों को बहिष्कार कर दिया। आपको बता दें कि एक बार फिर मामला सामने आया है, जहां
पखांचूर में तीन दबंगों ने मिलकर पांच परिवार को गांव से बहिष्कार कर दिया, जिसके बाद पीड़ितों ने प्रशासन का दरवाजा खटखटाया। आपको बता दें कि पहले भी इस तरह के मामले सामने आए। और अब हमारे साथ में पीड़ित प्रदीप मंडल जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका डीएनएन में। जी मैडम, नमस्कार जी। दबंगों की दबंगई देखी गई पखांचूर में, तीन परिवारों का बहिष्कार किया गया, आपसे जानना चाहूंगी क्या है पूरा मामला। मैडम पहले तो मैं 2015 से मेरे को बहिष्कार कर दिया है जी, तो मैं कलेक्टर को, एसडीएम को, तहसीलदार में सब जगह विज्ञापन दिया हूँ, लेकिन मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ है जी। जो मेरा एक जन गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुआ जी। बीच में एक लड़की, उनका नाम हमारा घर के सामने थे, वो लड़की को रतन राय नाम करके एक आदमी उसके ऊपर गलतकार करने का शिकार बनाया था जी। और गांव वाले बोले कि उनको उनको केस कर दिया जाए, तो गांव वाले बोले कि नहीं, गांव में मीटिंग करेंगे तो हम गांव में निपटा देते हैं जी। तो निपटाने के बाद बोले तो एक दिन एक रात रुके, उन लोग गांव वाले के फैसला नहीं आने के कारण उन लोग थाने में आ गए है जी। फिर गांव वाले को जितना जो दीपांकर राय, परिमल मंडल ये सब मिलके बोलते थाने में केस करेगा तो अच्छा नहीं होगा, फिर भी उन लोग केस किया। और जो अमृत सरकार है वो और बाकी लोग उनका साथ दिए, मैं भी साथ दिया उनको जी। तो इसी कारण उनको क्या बोलते फिर उनका केस हो गया था, और क्या बोलते फिर तुमको गांव से बहिष्कृत कर दिए, कर देंगे करके सबको, पांचों परिवार को गांव से बहिष्कृत कर दिया है। प्रदीप जी, जैसा कि आपने बताया कि इस मामले को लेकर आप जिम्मेदारों से भी गुहार लगा चुके हैं, जब आपने जिम्मेदारों से गुहार लगाई थी तो क्या कुछ कहा गया था आपसे? मैडम कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जब एसडीएम और तहसीलदार साहब जाते हैं गांव में, मेरा राशन कार्ड भी काट दिया है जी। तो उस समय राशन कार्ड भी काट दिया, मैं हम लोग कई बार शिकायत किया कि हमारा राशन कार्ड ले गया, छीन के ले गया दीपांकर राय जी, तो उनका भी कार्रवाई किया जाए। तो फूड इंस्पेक्टर और तहसीलदार, एसडीएम जाके उनको जो बातचीत करे, उन्हीं लोग का बात उन्हीं के पक्ष सुन के हम करके कोई कार्रवाई नहीं करता, उसके जो सुन के ही बस केस को निपटा देते हैं। ऐसा कई बार मैं मानव अधिकार तक मैं केस लगाया हूँ मैडम, कोई मेरे आज तक मेरा कोई सुनवाई हुआ नहीं जी। फिर अगस्त महीना के भी और एक एसडीएम मैडम के पास विज्ञापन दिया, उसका भी वही चीज कोई कार्रवाई नहीं हुआ जी। प्रदीप जी, आपसे समझना चाहूंगी कि कितने समय से दबंगों की दबंगई यूं ही जारी है? मैडम 2015 से ऐसा दबंग माने एक राज एक ही उन लोग चला रहे जी। तो उनके पीछे अगर उनके विपक्ष में कोई अगर बात करोगे तो उनको गांव से बहिष्कृत करके या तो राशन पानी नहीं दूंगा करके धमकी दे देते हैं जी। और गांव में जो मतलब मेला होता है, काली पूजा होता है, मछली का जो डैम का मछली पकड़ते हैं उनका तो कोई हिस्सा नहीं देते, सार्वजनिक कार्यक्रम को उन लोग भी जाने के लिए रोकते हैं कि कोई सार्वजनिक कार्यक्रम, और किसी का मतलब रिश्तेदार के शादी होगा वो उसमें भी शामिल नहीं होने देते जी। इससे पहले भी आप जिम्मेदारों से गुहार लगा चुके हैं, आज आप एक न्यूज चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगी इन्हीं लोग का जो राज है, ये राज को एकदम इसके ऊपर कानून सख्त सजा एवं कार्रवाई करे जी। प्रदीप जी, हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ में पीड़ित प्रदीप मंडल जुड़े हुए थे, जिनका कहना है कि लगातार इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, बावजूद इसके जिम्मेदारों से भी कई बार गुहार लगाई जा चुकी है, पर कोई भी अधिकारी प्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तो आपको बता दें कि पूरा मामला पखांचूर का है, जहां तीन दबंगों ने मिलकर पांच परिवारों का गांव से बहिष्कार कर दिया। आपको बता दें कि जिसके बाद पीड़ितों ने प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है और एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, साथ ही अनशन करने की भी चेतावनी दी है। तो आपको बता दें कि पूरा मामला पखांचूर का है, जहां दबंगों की दबंगई लगातार जारी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं और जिम्मेदारों को भी इन मामलों से अवगत कराया जा चुका है, बावजूद इसके जिम्मेदार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और एक बार फिर इस तरह का मामला देखने को मिला, जहाँ तीन
बदमाशों ने, दबंगों ने 5 परिवारों को बहिष्कार कर दिया, जिसके बाद पीड़ितों ने प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है और एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही अब पीड़ितों ने अनशन करने की भी चेतावनी दी है। हमारे खास कार्यक्रम एक नजर इधर में भी फिलहाल के लिए इतना ही। हम फिर कल हाजिर होंगे नए सामाजिक मुद्दों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।